हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, हम अपना खेत में हैं अभी, और हम आए हुए हैं यहाँ पर मसूरी देखने। मसूर जो आप लोग दाल खाते होंगे, मसूर दाल खाते ही होंगे, रोजाना इसका यूज करते होंगे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि मसूर का जो होता है खेती वो किस तरह होता है, कैसा उसका खेत में जो है तो उपजाव होता है वो हम आपको दिखलाएंगे। और यहाँ पर गेहूँ भी लगा हुआ है हमारे खेत में है, सरसों भी है, तो वीडियो भर बने रहिएगा और बहुत अच्छा मैं आपको भी वीडियो दिखा लाऊंगा। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हम अभी आ चुके हैं, ये जो है हमारा चाचा का खेत है, यहाँ पर गेहूं लगा हुआ है। इधर अभी तो हुआ नहीं है लेकिन 10 दिन के अंदर हो ही जाएगा अभी। और निकालो वीडियो बना लिए तो अभी देख सकते हैं कि जो गेहूं है वो अभी हरा, अभी 10 दिन के अंदर हो ही जाएगा। ये हमारे चाचा जी का खेत है और इधर आम का गाछ है। और हमारा जो खेत है, देखिए यहाँ पर इसमें जो है मसूर दाल लगा हुआ है। आप लोग जो खाते होंगे मसूर दाल, वो होता है लाल कलर का होता होगा, मसूर जो दाल है वो लाल कलर का। देख सकते हैं कि अभी ये जो है हम लगाए थे आज से 2 महीना 2.5 महीना पहले, यानी 3 महीना हो ही जाता कंप्लीट मेरा जो है अंदाज से। और हम ही इसमें लगाए हुए थे मसूर लगाए इसमें, और अभी देख सकते हैं अभी हरा ही है, ये जो है अभी पका नहीं है, ये 10 दिन के अंदर हो जाएगा कंप्लीट, 10 दिन में हो ही जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि ये अभी जो रंग जो है, ये जो है इसका रंग भूरा यानी मिट्टी कलर का रंग इसका, लेकिन हम जिस दुकान से खरीदते होंगे तो इसका कलर रंग जो है इसका लाल रंग का होता है। फिर इसको जो है ये सूखेगा तो ये फिर लाल रंग में हो जाएगा। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी देख सकते अभी हरा ही है, एक ठो जो दाना है ये हरा ही है। और ये होली तक हो जाएगा, होली का बाद में हो जाएगा, ये पक जाएगा 10 दिन के अंदर जो है ना ये पूरा तैयार हो जाएगा। और उसका बगल में जो है उधर चना लगा हुआ है, अभी हम ही लगाए थे। हमारे पिताजी बोले थे कि लगा दो इसमें गेहूं लगा दो, तो हमने बोले कि नहीं इसमें मसूर लगा दीजिए वही अच्छा रहेगा, तो लगा दिए इसमें। और इधर देख सकते हैं ये जो गेहूं है ये पक गया, ये अब कुछ दिन में इसका जो है ये अब 2-3 दिन में ये कटेगा। अभी ये हरा ही है और ये पक के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं हम। तो बना वेला है और अभी देख सकते हैं कि ये जो है सरसों है, इसमें जो आप सरसों का जो तेल खाते होंगे इसी रंग का होता है, इसको जो है ये पीला रंग, अभी देख सकते हैं ये पीला रंग है, इसको गोटा कहता है, इसको पीला रंग का है तो सरसों है। और इसको फिर ये जाएगा मशीन में जाएगा, इसको वहाँ पर इसका मशीन में पेड़ा होगा इसका, और वहाँ से तेल निकलेगा सरसों का तेल। और खाने में यही सरसों का ही तेल यही अच्छा लगता है, दुकान में जो होता है वो तो मिलावटी रहता है, वो तो प्योर रहता नहीं है, लेकिन ये जो रहता है ये शुद्ध तेल रहता है, ये सेहत के लिए अच्छा, ये अच्छा रहता है ये। और ये हमारे बाबा हैं, इनका घर भी यहीं पर है, इधर इनका घर है, और अभी ये कर रहे हैं काम कर रहे हैं। और इधर देख आप देख सकते ये जो चना है, यहाँ जो ये जो है चना लगा हुआ है, जो खाते होंगे चना, ये चना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हो जाएगा, ये अभी हरा ही है चना है, इसको आपको तोड़ कर दिखाते हैं आपको। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारा हाथ में जो है ये चना है, ये अभी कच्चा है, और आप लोग जब दुकान में खरीदते होंगे तो उस समय रहता होगा पूरा ब्राउन कलर का रहता होगा, लेकिन अभी ये हरा रंग का है। और ये जो कंप्लीट हो जाता है ये 4 से 4.5 महीना में हो जाता है, वो अभी मार्च का महीना है, ये जब लगा था दिसंबर जनवरी में ही लगा था, दिसंबर का एंड में, और ये अभी अब कुछ दिन में कटेगा, 10-15 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और सरसों जो है लगा था इसका जो
ये नवंबर में लगा था, यानी जब छठ पूजा का समय था तब, और अभी मार्च का महीना है और अब ये कंप्लीट हो चुका है और ये जगह मशीन में जाएगा, वहां से तेल निकलेगा और फिर खाने के लिए लोग लाएंगे। दोस्तों अभी हमारा हाथ में ये जो चना है देख सकते हैं, और हम अभी इसको खाएंगे। बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत मीठा लग, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, इसका बहुत मीठा लगता है, और इधर तो पूरा ही है। दोस्तों आप लोग भी यहाँ पर रहते तो आप लोगों को भी खिलाते हैं, हमारे गांव आते तो, क्योंकि गांव का जो है वो मजा अलग है, शहर का भी मजा अलग है, फिर भी यहाँ का हवा शुद्ध रहता है, यहाँ का खान पान, यहाँ का सब कुछ यहाँ पर जो मिलता है यहाँ पर ताजा मिलता है, सब्जी भी यहाँ पर ताजा मिलता है। यहाँ पर अभी जो चना है ये भी अपना ही खेत का है, खाने खाते हैं यहीं पर तोड़ के, इसका साग भी बनाते हैं, भात साग और चना का साग, और इधर विदेश से इधर पूरा खेत ही खेत है। ये भी इसमें जो लगा है इसमें भी गेहूं लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह वीडियो लाते रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।